आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण M वाली दो समान चुंबक इस प्रकार रखी गई है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों चुंबक एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखी गई है और हमसे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण की गणना करने को कहा गया है और चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है M, दूसरा ऑप्शन है √3m, तीसरा ऑप्शन है √2m और चौथा ऑप्शन है m/2। तो देखिए दोस्तों, जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका सूत्र होता है √m1^2 m2^2 cos θ। यहां पर जो थीटा है ये इन दोनों चुंबक के बीच का एंगल होता है। अब देखिए दोस्तों, m√m1 की जगह मैं रखूंगा m, क्योंकि यहां पर हमें प्रश्न में दिया गया है कि दोनों चुंबक जो है वो समान चुंबक की आघूर्ण रखती है और वो कितना है, m है। तो m1 और m2 की जगह मैं रखूंगा m, तो m² + m² + 2m m cos θ। cos θ की जगह मैं रखूंगा cos 60। तो हमारे पास m डैश का मान आएगा m′ √ देखिए m² हो जाएगा 2m² प्लस यहां पर 2mm है तो ये भी क्या होगा, 2m² cos 60 का मान होता है 1/2, तो cos 60 का मान 1/2। तो ये 2 से 2 दोस्तों यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारे पास अंततः m डैश का मान आएगा वो आएगा m′ √3m² या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m′ √3m। तो हमारा जो उत्तर होगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।